जय माता दी। नमस्ते, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे, तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, आपने फागुन शुक्ल एकादशी का महात्म्य बतलाया, अब कृपा करके यह बताइए कि चैत्र कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था सो वही तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्रथ नाम का एक वन था, उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विवाह विहार करती थी। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के सहित वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक समय ऋषि भी तपस्या में संलग्न थे। वे शिव के बड़े भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेघावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष से, कटाक्ष की डोरी, नेत्रों की धनुष की लचक, कुचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेघावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे। साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत चूड़ियों और नूपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक यह क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा को के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, ऋषि जी, बहुत दिन बीत गए, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा कि आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होते चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुके। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात हुई है। अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या पड़ी मार है, मुझे यहाँ पर आए कई वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ तो विचार करने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए हमको 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन बीत गए हैं। तब वह उनको काल के समान प्रतीत हुई। अत्यंत क्रोधित होने पर मुनि की आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे कहने लगी कि मेरी कठिन परिश्रम से एकत्र की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है, तू महापापनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तक्षण पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, इस श्राप का किस प्रकार निवारण होगा। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले कि हे दुष्टे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी है और यह सब प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता चयवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को
देखकर चैवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिसे तेरा सारा पुण्य छिन्न हो गया। मेधावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है, अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। तब चैवन ऋषि कहने लगे कि हे पुत्र, चैत मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को अवश्य करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पापमोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से हजारों गौदान का फल प्राप्त होता है तथा व्रत से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सूरापान, स्त्री से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कथा संपूर्ण हुआ। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।